हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. यस सर, आज हम अपने केस नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. यस सर, क्या है ये केस नंबर 3? हर केस अपने में कुछ कहता है, ये भी कुछ आपके साथ अपनी स्टोरी बताएगा, डिस्कस करेगा. अब आप अपना सिर पकड़ लें या थोड़ा मैथमेटिक्स कर लें, दिमाग को दौड़ा लें, मीन्स मेंटल जिम. क्या कहता है कि अब इस केस को मैं पहले बता दूं आपको कि है क्या कहानी. बेसिकली एक बंदा है जो कपड़ों का बिजनेस करता है, टैक्सेबल आइटम्स का बिजनेस करता है, सर्विसेज देने का काम करता है, गुड्स सप्लाई करता है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और जो गुड्स प्रोक्योर करता है उस पर ITC अवेल करता है. ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है क्या होता है सिस्टम, प्लेन प्लेन. मान लीजिए मैं काम करता हूं चेयर्स को खरीदने और बेचने का, वुडन चेयर्स या नॉर्मल चेयर्स, प्लास्टिक चेयर्स. मैं उन चेयर्स को परचेज और सेल करने का काम करता हूं. अब मेरे पास हो गया प्रॉफिट अच्छा खासा, मैंने 5 या 10 लाख रुपए लिए और मैंने जानते हैं उससे क्या खरीदा, मैंने यहां 50 लाख बच गए, 50 लैक्स मेरे पास सेफ हो गए. मैंने उस 50 लैक्स से गोल्ड बार खरीदा, ठीक है ना, जो गोल्ड बार्स होते हैं ना, ईंटें सोने की ब्रिक्स, मैंने वो गोल्ड बार्स खरीदे, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट किया और एक नंबर में खरीदा. जाहिर सी बात है मैंने उसका GST का बिल भी लिया होगा और मैंने GST का पेमेंट भी किया होगा. नाउ व्हाट वाज द मेन पर्पस टू परचेज दिस टाइप ऑफ गोल्ड बार्स? बेसिकली आई वॉज जस्ट वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इट इन द मार्केट, और यू कैन से इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई विल सेल इट आउट, और माइट बी आई विल होल्ड दोज गोल्ड बार्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, माइट बी. या तो मैं शॉर्ट टर्म में उन गोल्ड बार्स को बेच दूंगा या मैं उसको लॉन्ग टर्म्स तक होल्ड करूंगा, कुछ भी हो सकता है. हाँ सर, अब ये एज एन इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, दैट इज नॉट माई बिजनेस. और हो सकता है, मैंने कहा ना, मैं मुझे अगर फायदा मिलेगा आई विल सेल इट आउट, और मुझे फायदा नहीं मिलेगा आई विल होल्ड इट, तो दैट डिपेंड्स. तो मैंने कोई इसके साथ बिजनेस नहीं करना, मैंने इसके साथ कोई व्यापार नहीं करना, लेकिन मैंने कहा मैंने खरीदते समय GST दिया और मैंने उसको अपने बिजनेस का GST नंबर भी प्रोवाइड किया, तो इसका मतलब मैंने वो जो गोल्ड बार्स खरीदे थे वो फर्म के नाम से खरीदे, नॉट इन माई इंडिविजुअल नेम, पक्की बात है. नाउ आई एम द रेसिपियंट ऑफ दोज गोल्ड बार्स, दैट वॉज नॉट माई बिजनेस टू परचेज द गोल्ड बार्स एंड सेल इट इन द मार्केट. मैंने उन गोल्ड बार्स को एज एन इन्वेस्टमेंट बाय किया. अब मुझे नहीं मालूम कि मैं उनको बेचूंगा नहीं बेचूंगा, हो सकता है या नहीं भी हो सकता. अब प्रॉब्लम ये आती है मेरे सामने कि क्या मैं इन गोल्ड बार्स पर जो मैंने GST का पेमेंट किया है, वेदर आई शैल बी एलिजिबल टू गेट द ITC व्हाट आई पेड एज अ टैक्सेस टू द सप्लायर ऑफ द गोल्ड बार, क्या मुझे उस पर ITC अवेल होगा? जवाब होगा कि पहले बिजनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना. बिजनेस की डेफिनेशन कहती है बिजनेस में शामिल है कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इज फॉर अ पेक्यूनरी बेनिफिट, तुरंत के बेनिफिट के लिए हो या फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द क्लॉज ए, इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए, वेदर और नॉट देर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन. नाउ द मेन थिंग इज योर दिस वन क्लॉज, ये जो सी क्लॉज है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन, चाहे आप उसका वॉल्यूम देखें ना देखें, कितने वॉल्यूम में हो, छोटा सा वॉल्यूम हो, फ्रेक्वेंसी, हो सकता है वॉल्यूम बड़ा हो, एक ही या दो बार हुआ हो, रेगुलर मैंने उस बिजनेस को, उस चीज को नहीं करता, मैं फ्रेक्वेंट वे में गोल्ड बार्स नहीं खरीदूंगा ना बेचूंगा, मैंने एक बार खरीदा डेट्स इट. कंटिन्यूटी है या नहीं, रेगुलरिटी है या नहीं, मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका बिजनेस कहलाएगा, वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा. और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बाय किया है फर्म के नाम से और GST पेड किया है और फ्यूचर में मैं उस गोल्ड बार्स को जब बेचूंगा तो मुझे उसको सप्लाई दिखानी पड़ेगी. अब आप एक ही पैन नंबर पर जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे वो सारे, मीन्स आपके एक GST रजिस्ट्रेशन नंबर पर जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे वो सब के सब आ जाएंगी आपकी बिजनेस की एक्टिविटी में. जी, तो कहा गया
पर्सनल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, नॉन बिजनेस एक्टिविटी की बात मैं नहीं कर रहा। गोल्ड बार खरीदा जीएसटी के नाम से, इट मींस वो एक फर्म के नाम से आ गया, फर्म के नाम से आ गया तो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। अब चाहे मैं उसको होल्ड करूं चाहे सेल करूं, तो जब मैंने उसको फर्म के नाम से खरीदा है तो अब उसका आईटीसी में अवेल कर सकता हूं। फ्यूचर में जब मैं इस गोल्ड बार को बेचूंगा तो मुझे उस समय आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स देना पड़ेगा। जी सर, तो कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बार, ढंग से सुने, विद द कॉमर्शियल मोटिव एज पर द क्वेश्चन, इट कंस्टिट्यूट बिजनेस एवन दो द सेम इज अंडरटेकन ऑन कैजुअल और इरेग्यूलर बेसिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर द क्लॉज सी, मैंने क्या कहा, क्लॉज सी इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ द रीसेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट बाय द सेड टैक्स पेयर इज लायबल टू पे जीएसटी बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ सेल कंस्टिट्यूट एज अ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। यस सर। अच्छा, सेक्शन 16 के हिसाब से रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन सारी चीजों को अगर ध्यान में देखें तो यस, चाहे वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट मैंने किया हो चाहे शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट किया हो, आई एम वेरी मच एलिजिबल, आई एम एंटाइटल टू गेट द आईटीसी ऑन परचेज ऑफ द गोल्ड बार्स। दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन, हो गया। एंड दैट वॉज योर केस नंबर 3। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं ना, लेकिन इंटरेस्टिंग तो है ना चीजें। देखिए ना, एक ही जीएसटी नंबर पर मैं कई बिजनेस चला सकता हूं या कई डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकता हूं। अब ये तो समझ में आ गया मुझे, हर एक बिजनेस के लिए अलग जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट वॉन्ट टू अवेल डिफरेंट जीएसटी नंबर फॉर योर डिफरेंट बिजनेस, यू कैन डू सो ऑल्सो, आप ऐसा कर सकते हैं। कोई मना नहीं करने जा रहा कि आप अलग बिजनेस के लिए अलग जीएसटी नंबर ना लें, आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही जीएसटी नंबर के अंतर्गत आप डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपको अपना केवल अकाउंट्स मेंटेन प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। चलिए, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना चाहे बात जितनी। हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक इंपॉर्टेंट अपडेशन या इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।